दोस्तों, आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आज तक देखा होगा, इतिहास में या वर्तमान में, एक बात सब में कॉमन मिलेगी कि उन्होंने कभी लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें विश्वास था खुद में, दिमाग में जो आइडिया चल रहा था उस पे, और दिखा गए इस दुनिया को आगे और आगे बढ़ने के रास्ते। शायद उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि लोग क्या कहेंगे इसको सोचकर वो अपना वक्त खराब करें, क्योंकि अगर वो लोगों की परवाह करते तो आज हम ना ही हवाई यात्रा कर रहे होते और आज आप ना ही ये वीडियो इतनी आसानी से देख रहे होते। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों की बातें सुनकर अपने काम को रोक देते हैं जो लोग आपके विचार, आपके आइडिया के बारे में कुछ नहीं जानते। और मजे की बात तो ये है कि उनमें से अधिकतर तो उस फील्ड से भी नहीं होते हैं। अबे कौन है ये लोग? ये जो लोग हैं ना, जो कुछ ना कुछ कहते हैं, अगर आप गौर से देखो तो ये कोई समस्या ही नहीं है। असली समस्या तो हम खुद हैं। दरअसल हमें भी कोई ना कोई बहाना बनाना है, हमें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। और ये जो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव है ना, बस यही असली जड़ है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि अगर तुम अप्रसन्न हो तो इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि तुम अप्रसन्न होने के तरकीब सीख गए हो और तुम्हारी असफलता की वजह यही है। और ये जो तरकीबें तुम सीख गए हो ना, इनमें लोग क्या कहेंगे ये प्रमुख तरकीबों में से एक है। एक बात तो आप अच्छे से जान लीजिए दोस्तों, कि यहां कोई भी, मतलब कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा हुआ है। आपने कभी छोटे बच्चे, करीब 1 से 3 साल के बच्चे को गौर से देखा है और उससे कुछ सीखा है? आपने कभी गौर से देखा है कि वो दिन भर में क्या करता है? और अगर नहीं देखा है तो देखिए कि वो बच्चा लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह कभी नहीं करता। और अब तो रिसर्च ने भी आंकड़े दे दिए हैं कि औसतन एक बच्चा दिन में लगभग 400 बार, आपने सही सुना, 400 बार अपने आसपास के लोगों की ना सुनता है, उनकी डांट सुनता है। आप क्या समझते हो कि अगर वो आपकी डांट की परवाह करेगा तो कुछ सीख पाएगा? नहीं, कभी नहीं सीख पाएगा। और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसे लोग क्या कहेंगे इसका एहसास कराते हैं और आगे आगे की परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि फिर वो भी लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में फंस जाता है। दोस्तों, जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो जब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो फिर क्यों ना अपने काम पे फोकस किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिंदगी खराब जाती ना दिखाई पड़े, क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है और इसी में सब कुछ करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।